अहमदाबाद वाले केस में जो आसाराम बापू पे आरोप लगाया गया था, उसमें कल 9 साल 5 महीने के बाद आसाराम बापू को न्यायालय ने दोषी करार दिया था। और आज उस केस में बापू जी को आजीवन सजा सुना दिया है, जो कि हास्यप्रद है। और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जो 12 साल पुराना मुकदमा है, जिसमें ना कोई फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट है, ना कोई डॉक्टरी मेडिकल रिपोर्ट है, ना कोई ठोस गवाह है, ना ही कोई सीसीटीवी फोटोज है, उस केस में इतना बड़ा सजा। और सुनिए, कहने का मतलब ये है कि जोधपुर वाला केस में भी सभी जो बाकी के आरोपी थे उनको दोष मुक्त कर दिया जाता है, यहाँ पे भी दोष मुक्त कर दिया जाता है। जब सब लोग दोष मुक्त हैं, जो लड़की लाने का जिसके ऊपर आरोप लगता है वो भी दोष मुक्त, जो लड़की को कमरे तक पहुंचा है वो भी दोष मुक्त, तो फिर आसाराम बापू ने ऐसा किया कैसे? मतलब ये साफ होता है कि ये एक जो है षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के तहत आसाराम बापू के खिलाफ इतनी बड़ी सजा आई है। जय श्री राम। आज जो भी कोर्ट का निर्णय आया है, उसका एकमात्र जिम्मेदार आश्रम की लीगल टीम है, जिन्होंने जानबूझकर पहले जोधपुर केस में लापरवाही करी, गलतियां करी, गलत पेपर लगाए, और उस केस में बापूजी को ताउम्र की सज़ा करवाई। उसके बाद उसी तर्ज पर अहमदाबाद केस में भी इन लोगों ने गलत तरीके से केस लड़कर आज बापूजी को आजीवन कारावास करवा दिया है। सभी साधकों से अभी भी निवेदन है, जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट है, और उनका एकमात्र लक्ष्य है बापूजी की सारी संपत्ति पे कब्जा कर लेना। जय श्री राम।